मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एलपीपी के अंतर्गत मिक्स प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से दो से अधिक समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में किस तरह से हम लोग हल करेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक डाउट प्रॉब्लम्स, जहां पर कुछ स्टूडेंट, हालांकि वो सवाल हमने बता दिया था लेकिन फिर भी गलती हुआ है, इसलिए हम उसको सुधारने के लिए एक बार फिर से एक आलेख बता रहे हैं जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो देख लीजिए उसको, उसके बाद सवाल पर आएंगे। आलेख खींचें, ये है 2x + 5y > 0। ठीक है, ये सवाल है, देखिए कैसे हल करना है। हालांकि ये हो गया एक का संगत समीकरण, तो ये हो जाएगा 2x + 5y = 0। ठीक है, तो ये हो गया, जब x 0 रखिएगा तो y को भी सॉल्व करने पे, x 0 रखिएगा तो 5y = 0, यानी y का मान भी 0 निकलेगा, तो ये हो गया एक बिंदु 0 0। फिर से लेते हैं, अभी y लेंगे, अभी क्या लेंगे, y लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम जो इस टाइप का बताए थे आपको कि जब 0 0 आ जाए, जब दोनों मान 0 0 आ जाए, तो उस स्थिति में जब y का मान लीजिएगा तो y का मान 0 नहीं लीजिएगा, 0 लीजिएगा तो फिर से 0 ही आएगा। तो y का मान क्या लेने के लिए बोले थे, y का मान बोले थे x का गुणांक लेने के लिए। तो x का गुणांक देखिए कितना है, 2 है, x का गुणांक कितना है, 2 है, तो y का मान 2 लीजिए। तो अब देखिए इस x का मान कितना निकलेगा, साइड में निकाल लीजिए, हालांकि निकालना तो 5 ही है, चाहे प्लस निकले चाहे माइनस निकले, 2x + 5y = 0। y के जगह 2 ले रहे हैं तो 2x 5 × 2 = 0, 2x = -10, प्लस था उधर जाके माइनस, 2 × 5 = 10, x = -5। ये क्या हो गया, -5। तो यहां पर जब बिंदु का मान लिखेंगे तो x और y दोनों लिखेंगे, x का मान -5, y का मान 2, तो -5, 2। ठीक है, अब इसका आलेख खींचते हैं। इस बार 0 0 तो खैर यहां फिक्स है, ये निगेटिव में -5 है, तो निगेटिव ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। x में पॉजिटिव कहीं है ही नहीं, इसलिए x तरफ कोई बिंदु देना जरूरी नहीं है, या उसका लंबा लाइन खींचना कोई जरूरी नहीं है, ये y और y डैश। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा सा, अब x में जो है वो -5 है, तो -5 इधर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, -5 हो गया, और y में 2 है, 1 2। ठीक, अब देखिए -5 हो गया, उधर 2 हो गया। अब कुछ लोग गलती इसमें क्या किए हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं। यहां पर जो है माइनस, यहां पर 2 मिल रहा है, यहां पर -5 मिल रहा है, लोग जो है ऐसे करके मिला दिया, तो ये तो आप गलत कर रहे हो भाई। यहां पर क्या कर रहा है, बिंदु 5 2 कर रहा है, -5 0 या 0 2 ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, -5 और -2 कर रहा है, तो -5 यहां है, -2 यहां है, ये तो एक ही बिंदु है ना। यदि ऐसा रहता -5 0 और 0 2 इस तरह से रहता तो भले आप मिला देते, लेकिन ऐसा यहां कहां कर रहा है, तो ये वाला जो है -5 और -2 एक साथ है, ये गलती किया है कुछ लोगों ने, -5 -2 एक साथ है, तो दोनों का मिड पॉइंट देखना पड़ेगा, ये -5 है, ये 2 है, दोनों का मिड पॉइंट यदि आप लेकर के चलिएगा तो ये है दोनों का मिड पॉइंट, जहां पर -5 भी मिल जाएगा और 2 भी मिल जाएगा, तब यहां पर लिखेंगे -5, 2। अब
एक बिंदु जीरो जीरो है तो जीरो जीरो आप देख रहे हो, ये तो जीरो जीरो होता ही है। इस दोनों को आप मिलाइएगा, ये दोनों बिंदु को मिलाइएगा इस तरह से, ये हो गया। अब कुछ लोग ये तो सही बनाए थे, अब देखो जांच में क्या बताए थे आपको कि चूंकि यह मूल बिंदु से होकर के गुजरता है तो मूल बिंदु तो घर सबका होवे करता है, तो उसमें बाहर निकालना या अंदर निकालना वो कैसे आप डील करोगे कि कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा, क्योंकि मूल बिंदु से गुजर ही रहा है। तो इसका या तो ऊपर वाला हिस्सा या तो नीचे वाला हिस्सा कलर होगा। अब कैसे जानेंगे कि कौन होगा, तो उसके लिए आपको क्या बोले थे, बोले थे एक्स अक्ष के बारे में सोचो। एक्स अक्ष मतलब एक जीरो के बारे में। आप देखो एक जीरो कहाँ मिलेगा, खोजिएगा तो एक जीरो यहाँ पर मिलेगा, है कि नहीं। यदि सही होगा तो इसको अपने पास बुला लेगा, गलत होगा तो अपने पास नहीं बुलाएगा। तो देखते हैं कि एक जीरो के लिए सही नहीं है कि नहीं। टू एक्स प्लस पांच वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स के जगह एक रखिएगा तो दो गुना एक दुए हुआ, पांच गुना जीरो पांचे हुआ, तो यह रिजल्ट हुआ। तो ये सही है कि गलत है, सोचो ये क्या है, ये वाला हिस्सा गलत है। गलत है तो इसका मतलब अपना घर नहीं बुलाएगा बल्कि बाहर रख देगा। बाहर मतलब इसके नीचे, यानी एक्स अक्ष जो है आपका ऊपर है, यहाँ पर है, तो इसके लिए ये गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो जाएगा कहाँ, नीचे की तरफ। तो इस लाइन का नीचे वाला जो भी हिस्सा है उसको कलर कर दीजिए, ठीक है। ये सिंगल आलेख में था, इसलिए आपको सिंगल आलेख में इस तरह से करने के लिए बोले थे। सिंगल में जहां भी होगा वही कलर करना है। हाँ, यदि इसमें एक और समीकरण दे देता है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब इसमें आप सोचो कि यह जो है रेखा प्रथम चतुर्थांश को तो संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो है यदि यह रहता तो, यह रहता तो, नहीं रहता तो उसके बारे में सोचो मत, तब इसके नीचे वाला हिस्सा कलर होगा। ये रहता यदि अभी जो लिखे थे तो उस स्थिति में इसमें कोई भी भाग कलर नहीं होता, लेकिन सिर्फ ऐसा है तो यह नीचे वाला होगा। नीचे वाला क्यों हुआ, क्योंकि एक जीरो के लिए हम जांच किए थे, गलत पाया गया, गलत पाया गया, जिसके लिए आप गलत रहोगे आपको अपने घर में क्यों जगह देगा, कभी नहीं देगा, है ना। इसलिए यह जो है एक जीरो ऊपर इसके ऊपर तरफ पड़ता है, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर वाला भाग नहीं कलर होगा, ठीक है। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि जो गलती आप लोग वर्क वाले में किए होंगे आज का वीडियो देख करके आप लोग गलती को सुधार लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अब आज के सवाल पर, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन है अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करें, मतलब एक ही सवाल में दोनों मान निकालना है, महत्तम भी और न्यूनतम भी, दोनों मान निकालना है। तो सवाल है x प्लस टू वाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 102x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, 2x जोर वाई लेस देन इक्वल टू 200xy ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आपका सवाल है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सवाल आप देख लिए, सॉल्यूशन इसको एक नंबर मान लिए, फिर ओह सॉरी जेड का मान लिखना भूल गए, जेड भी मान दिया गया है, जेड बराबर ऊपर पर ही जेड बराबर पांच एक्स प्लस तीन वाई मान लिया जाए, ये दिया गया है, ठीक है। सवाल पर आते हैं अब, सॉल्यूशन जेड का मान देख रहे हैं, पांच एक्स प्लस तीन वाई है,
पहला लिखते हैं x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये एक नंबर। दूसरा है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और तीसरा है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। समीकरण नंबर तीसरा x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौथा, ठीक है, ये हो गया आपका चार गो इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले एक का संगत, फिर दो का संगत, तीन का संगत, चार को संगत से कोई मतलब नहीं है। एक का संगत समीकरण x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो ये बराबर हो जाएगा। जब x 0 लीजिएगा तो y का मान 2 से 50 बार में कट जाएगा, 0,50। जब y 0 लीजिएगा तो x का मान, y 0 मतलब y खत्म, तो x का मान 100 निकल जाएगा डायरेक्टली। तो ये हो गया 100,0, ये हो गया दो का संगत समीकरण। दो का संगत समीकरण हो गया 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, चलते हैं इसमें। जब x बराबर 0 तो y का मान भी 0 निकल जाएगा, तो ये हो गया 0,0। जब y 0 लीजिए, सॉरी देखो, जब 0,0 अभी तुरंत डिस्कस किए थे, जब दोनों 0 आ जाए तो x का मान जो रखिए, तो y का मान जो रखिएगा वो 0 नहीं रखिएगा, बल्कि क्या रखिएगा, x का गुणांक रखिए। x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, 2 है। या तो x का गुणांक रखिए या फिर x के गुणांक से उसका कोई, जैसे 2 है तो 2 का कोई और गुणांक 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा अमाउंट आ रहा है, 150 इस तरह से आ रहा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं y का मान जो है थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, बड़ा लेकिन 2 का गुणांक होना चाहिए। जे लो y का मान हम जैसे 10 ले लिए, y का मान अपने मन से क्या ले लिया, 10, तो कम है ना 10, वैसे आप 2 भी ले सकते हो। आप चाहें तो x का जो गुणांक है 2 भी ले सकते हो, लेकिन हम बड़ा इसलिए लिए क्योंकि ये सारा अमाउंट बहुत बड़ा पड़ा है, तो उसके तुलना में थोड़ा सा बड़ा ले लिए, 10 ले लिए। ठीक है, आलेख में थोड़ा आसानी होगा, वैसे आप 2 से भी बना सकते हो। ठीक है, हम 10 ले रहे हैं, तो x का मान यहाँ पर सॉल्व करके निकालिएगा तो 2 × 20 सॉरी 5 निकल जाएगा। x का मान 2x माइनस वाई बराबर 0 है ना, 2x वाई की जगह 10 लिए हैं, x का मान 5 निकल रहा है, तो ये हो गया 5,10। क्लियर हो गया दूसरा। अब उसी तरह से तीसरा पर आते हैं, 3 का संगत समीकरण, 3 का संगत समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 200। जब x बराबर 0 तो y का मान 200, 0,200। जब y 0 तो x का मान निकल जाएगा, y 0 लिए तो x का मान 100 निकल जाएगा, 100,0। क्लियर, चलिए आप आलेख पर आते हैं। अब देखो लंबा लंबा मान है भाई, तो 10 को अभी यदि लेते हैं तो 20 वाला जो है 20 × 200 इसमें जो है 10 को खींचना पड़ेगा, सॉरी 20 को खींचना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा और छोटा बड़ा मान चुनते हैं हम लोग, 50-50 करके लेते हैं, चार गो में काम चल जाएगा, 50 × 150 या 150 × 4 चार बार में काम चल जाएगा। और 10-10 का लीजिएगा तो 10 × 110 × 20 तो 20 को लाइन खींचना पड़ेगा, और 20 का लीजिएगा तो 10 × 20 × 100 को लाइन खींचना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि कौन सा ज्यादा आसान है, तो हम 50 वाला ले रहे हैं 50-50 करके। अब x का और y का हाईएस्ट मान आप चेक कर लो, x का हाईएस्ट मान 100 है,
पूरे में, और y का हाईएस्ट मान 200 है। चलो y का हाईएस्ट मान 200 है तो चार को मिनिमम होना चाहिए। x डैश y डैश ये ओ, तो 50 50 दूनी 100, चलो दुए गुम काम हो गया। और इधर 50 जितना लंबाई पर ये लियो भाई अपनी लंबाई पर लेना है, 50 दूनी 100 50 150 50 चौके 200, ठीक है। यहां पर बगल में लिख देना है एक पैमाना बराबर 50 मात्रक, बड़ा लिया है इसीलिए लिखे, एक दो तीन में ये सब मात्रक लिखने का जरूरत नहीं है, एक पैमाना 50 मात्रक के बराबर लिए है। चलिए मतलब यहां से यहां तक गए तो 50 हुआ, यहां से यहां तक गए 100 हुआ, 50 100 150 200, ठीक है। चलो भाई आप पॉइंट पर आते हैं, पहला है 0 50 और 100। देखो इसमें 0 है 0 50 तो 0 50 तो ये रहा 50, तो यहां बगल में लिख देंगे 0 50 ये बिंदु, 100 तो 50 50 दूनी 100 ये हो गया 100, ठीक है। इसको मिलाते हैं, ये हो गया आपका एक नंबर, राइट। चलिए दूसरा नंबर पर आते हैं, देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है। 0 0 तो ये तो 0 0 हुआ, 5 10, आप सोचो भाई 5 10 कितना छोटा मान है, उसको आप सोचो 5 और 10 के बारे में, तो 5 और 10 यानी एक्स में 5 और वाई इस एक्स में 5 वाई में 10, ये आप देखो एक्स का ये 50 है, ठीक। अब आप उस हिसाब से सोचो उसको, जो है यदि हम लोग 50 तो यहाँ 5 से यदि 50 में भाग देते हैं तो 10 आता है, यानी इसको यदि हम लोग 10 भाग में बांटते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए, और उसी तरह से 10 है तो उसी तरह से 10 से यदि हम 50 में भाग देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा 50 है तो 5 आता है, इसका मतलब इस पूरे हिस्से को 5 भाग में बांटिए तो यहाँ जो होगा ये होगा पहला पार्ट, यही हो गया। तो ये 5 यह 10, अंदाज से ही रखना पड़ेगा 5 10। आपको इसीलिए पहले बोल दिए थे कि मान थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब आप सोचो यहां पर यदि 1 और 2 लेते तो क्या होता हाल, 1 में कितना और सड़ जाता, 5 में ये हाल है, तो इसलिए हम बड़ा मान लिए। यदि हम 20, आपको पहले बोल दिए थे कि ग्राफ में परेशानी से बचने के लिए मैं ऐसा कर रहे हैं, अब भी देखो हम परेशान है कितना छोटा आ रहा है, इसलिए वैसे हम वही छोड़ देंगे, आप अपने निर्णय कर लेना भाई कि आपको क्या लेना। आप यदि यहाँ पर मान लिया जाए 40 लेते, मान लिया जाए तो 40 लेते तो ये वाला निश्चित तौर पर 20 आता, तो 40 20 खोजना आसान होता, 40 और 20 आप आसानी से खोज लेते। क्या चलो जो है ये है 5 10, ये है 0 0 0 0 है ना, ये 0 0 तो ये ओ को 0 0 बोलते हैं, 5 10 ये हुआ, तो इस दोनों बिंदु से होकर के ऐसे रेखा जाएगा, ये हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। चलो क्लियर, अब आते हैं तीसरा नंबर, क्या कह रहा है। तीसरा है 0 200, तो 0 200 आपको यहां पर मिल ही रहा है 0 200, और दूसरा है 100 0, तो 100 0 तो यही बुला है, लिख ले है 100 0, तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बस इसको मिला देना है। ओह थोड़ा सा ही हो गया,
ठीक है, तेरह हो गया। अब देखो भाई, अब हम लोग छटनी करना शुरू करते हैं। क्या वो घर है आपके पास या क्या वो? एक दो तीन चार पांच छ, ये छह गो में से कोई एक का ही सिलेक्शन होगा, छह में से कोई एक का ही सिलेक्शन होगा। तो जो सिलेक्शन होगा उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसको हम लोग तैयार करते हैं, सही या गलत। तो पहला नंबर देखिए, डायरेक्ट यहां पर कंडीशन हम लिख करके समझाते हैं। इधर जीरो लिखना है, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एक सौ। आप सोच लो ये सही है कि गलत है? जिधर वाला घुमा हुआ है उधर वाला बड़ा होना चाहिए, तो जीरो तो बड़ा है ना, इसका मतलब ये वाला पहला नंबर क्या है, गलत है। दूसरा पर आते हैं, दूसरा तो खैर जीरो जीरो वाला है, जीरो जीरो वाला पार्ट है, जिसको एक जीरो पर जांच करते हैं। मतलब एक्स के जगह है एक और वाई के जगह जीरो, तो वाई के जगह जीरो रखेंगे तो वाई ऐसे खत्म हो जाएगा। तो दो गुना एक, तो दो गुना एक दो हो गया, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखो ये जीरो तरफ घुमा हुआ है, लेकिन ये है क्या, गलत है, क्योंकि उधर वाला बड़ा होता है जबकि कह रहा है बड़ा है, तो ये दूसरा भी गलत पकड़ा गया। तीसरा पर आते हैं, उधर चूंकि ये वाला इसमें जीरो जीरो पार्ट नहीं है, तीसरा नंबर में सॉल्व करके जीरो जीरो नहीं आया है, इसमें इस तरफ जीरो जीरो पर जांच करोगे आप, तो जीरो लेस देन इक्वल टू 200, ये तीसरा हो गया। तीसरा जो है ये सही हो गया है ना, क्योंकि 200 बड़ा है। देखो एक चीज हम क्लियर करना चाहेंगे कि जिसने भी पहला या दूसरा, कम से कम दूसरा और तीसरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो अच्छे से देख लीजिएगा, तब ये अच्छे से समझ में आएगा वह, क्योंकि दूसरा और तीसरा पूरा तरह से, दूसरा और तीसरा पूरा तरह से आलेख पर आधारित है। और अब आलेख ही समझिए बता रहे हैं, और जो पढ़ चुके हैं उसको तो हमको बताने का जरूरत नहीं, आपने बना लिया होगा। खैर चलिए, हाँ तो पहला गलत है, पहला लाइन के पास आइए, ये पहला है, तो पहला गलत है तो अंदर रहेगा कि बाहर? तो पहला बाहर रहेगा, तो पहला के बाहर थोड़ा सा उसको दूसरा कलर से अथी करते हैं ताकि समझने में आए सबको। पहला लाइन ये वाला है, ये देखिए ये ग्रीन वाला, ये वाला थोड़ा सा उधर चल निकल गया बाहर। तो पहला लाइन, पहला क्या कह रहा है भाई, गलत है, तो गलत इसका मतलब अंदर आएगा कि बाहर? बाहर रहेगा, अंदर वाला सब खत्म, तो पहला के अंदर में जो जो आता है वो खत्म हो जाएगा, सी डी कैंसिल हो गया, सी और डी कैंसिल। दूसरा देखो क्या है, दूसरा गलत है, गलत माना किसके लिए गलत है, तो गलत हम लोग जो जांच किए थे ये एक जीरो के लिए जांच किए थे, एक जीरो का मतलब है एक्स अक्ष के लिए गलत है, तो एक्स अक्ष के लिए गलत है। अब दूसरा के पास आएंगे, अब इसके बारे में सी और डी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सी और डी को मिटा देते हैं समझने के लिए कि अब सी डी मत सोचो, अब आपके पास ए बी ई एफ है चार को है उसी के बारे में सोचो। तो दूसरा गलत, तो गलत आदमी कहां रहेगा, अंदर रहेगा कि बाहर? बाहर रहेगा, तो जहां पर जिसके लिए गलत है तो एक जीरो इसके लिए घर है, एक जीरो से दूर भागेगा, तो एक जीरो देखो आप खोजोगे तो एक जीरो यहाँ एक्स अक्ष पर मिलेगा, ई जो है ई रेखा एक्स अक्ष के लिए गलत है, तो गलत है तो ये एक्स अक्ष देखो इसके इधर इधर पड़ता है, ये नीचे नहीं आएगा तो कहां जाएगा, ऊपर भागेगा, मतलब नीचे नहीं आएगा, गलत है तो भागो ऊपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ई और एफ दोनों कैंसिल हो गया, समझ रहे हो, तो ई और एफ भी कैंसिल हो गया। अब बिजी दोनों आपको सिलेक्शन करना है, अब बाकी आप कुछ मत सोचो सबके बारे में, सब खत्म होते गया कि करके करते चला गया, इस पर रिसर्च किए इस पर किए। तीसरा नंबर सही है, तीसरा क्या है, सही है, सही कहां रहेगा, अंदर रहेगा, सही आदमी कहां रहेगा, अंदर। तो अब देखो भाई जो तीसरा लाइन है ये साफ है ब्लैक दिख रहा है, ये वाला सीधा दिख रहा है ब्लैक, तो ये सही है, तो अंदर, अंदर माना इसके नीचे मूल बिंदु के तरफ और बाहर रहता तो ऊपर, तो ये सही है तो अंदर आएगा, तो अंदर होने का मतलब क्या हुआ, बी को कवर मिलेगा, इसका मतलब ए गलत हो गया, तो इसका मतलब बी वाला जो हिस्सा है वो कलर हो जाएगा, ये कलर कर दिए। ठीक, अब देखो आपका कोणीय बिंदु क्या गो मिला, आपको क्या बोले थे, जहां भी सुसंगत क्षेत्र होगा वहां से जो जो बिंदु जो जो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा
वही आपका कोणीय बिंदु होगा। तो ये कोणीय बिंदु ये हुआ, एक कोणीय बिंदु ये हुआ, एक कोणीय बिंदु ये हुआ, एक कोणीय बिंदु ये हुआ, चार कोणीय बिंदु हुआ। क्या को हुआ? चार कोणीय बिंदु हुआ। अब इस चार कोणीय बिंदु में देखो किसका किसका मान दिया है। ये जीरो पचास तो दिया है भाई, चलो इसके लिए नहीं सोचना है। ये जीरो दो सौ दिया है, उसके लिए भी नहीं सोचना है। बाकी ये बचा और ये बचा, इस दोनों का मान नहीं दिया है। तो इस दोनों को कैसे निकालना है? इस दोनों को निकालने के लिए समीकरण का हल कर दीजिए। हल कैसे कीजिएगा भाई? वो तो आप समझो कैसे करोगे। देखो वहां पर पहले हम लोग ये बिंदु निकालते हैं, एक ग्रीन वाला देख रहे हो, एक ब्लैक वाला यहाँ पर कट रहा है। तो ये बिंदु निकालने के लिए आप पहले ये देखो कि यहां से होते हुए कौन कौन समीकरण गुजरता है। तो हरा वाला समीकरण एक है और ये वाला समीकरण दो है। तो समीकरण एक दो साइड में लिखो कि देखो हम साइड हमारा यही बचा है, लिख लेते साइड माना पीछे पीछे रफूक में। तो एक नंबर हमारा है ये x प्लस टू वाई बराबर 200 और दो नंबर जो है ये वाला है तो x माइनस वाई बराबर 100। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो हल कर बराबर शून्य है, सॉरी तो x माइनस वाई बराबर शून्य। एक और दो क्यों कर रहे हैं जान रहे हो ना? तो यहां से जो गुजर रहा है वो एक रेड वाला, सॉरी ग्रीन वाला समीकरण एक और ये वाला एक समीकरण दो। तो इसीलिए एक और दो को हल किए, एक और दो तो इसमें खाली दो से गुना करते हैं, x प्लस टू वाई बराबर 200, चार एक्स कटो 200 वाई बराबर 0 कट गया, 5x बराबर 200, x का मान 40 निकल गया, x का मान 40 निकल गया। एक्स का मान यहाँ पर रखिएगा तो 40 दुनिया 80, वाई का मान 80 निकलेगा। तो इसका मतलब 40 और 80। वैसे भी देखो ये जो है 50 के थोड़ा सा पहले पड़ता है और यह जो है 50 और 100 उसके बीच में पड़ता है। तो वैसे हम ग्राफ में नहीं खींचे इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन ग्राफ में खींचते तो ये आपका सही मान बता देता। तो 40 और 80 हल करके आया। तो पहले एक्स का मान लिखेंगे यहाँ पर, तो जगह जहां पर है उस हिसाब से लिखो, यहाँ जगह कम है तो इधर लिख दो, इधर लिख दो, किसी तरह से हटा देते हैं 40.80। क्लियर? चलो एक काम हुआ, ई बिंदु निकला। अब ई बिंदु निकालो तो यहां से देखो भाई कौन कौन रेखा गुजर रहा है। ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से रेखा वहां से गुजर रहा है। तो एक देखो ये गुजर रहा है समीकरण नंबर दो, और एक देखो ये गुजर रहा है समीकरण नंबर तीन। तो इस बार दो और तीन को हल करना है, आपको दो को और तीन को हल करना है, दो और तीन। तो दो नंबर आपका ये है 2x माइनस वाई बराबर 0 और तीन नंबर ये है 2x वाई प्लस वाई बराबर 200। यही है, इसको हल करते हैं। y y कट गया, 4x बराबर 200, 50 बार में कट गया, x का मान 50 निकला। अब x का मान यहाँ रखिएगा तो y का मान जो है 100 निकलेगा। x का मान यहाँ 50 रखिएगा तो y का मान 100। तो यहाँ पर जो है वैसे भी देखो ये सीधे लग रहा है, 50 पर कट रहा है, 100 पर कट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पहले x का मान 50, फिर y का मान। अब यदि बटे उटे में आता तो ये बटे में लिखते, जैसे मान लिया जाए 50/3 आ जाता, तो यहाँ 50/3 लिखते, 100/7 आता तो 100/7 लिखते। खैर जो आया है हल करके वो लिखना है, समझ के बात को। यहां तक आपको कितना नंबर मिलेगा? यहां तक आपको केवल तीन नंबर मिलेगा। अब दो नंबर के लिए आगे चलना है, इसको मिटा देते हैं। ये सही और गलत सवाल जब बनाइएगा सही और गलत सवाल पर मत लिखिएगा, उसको रफ में लिखिएगा। ठीक है, रफ में लिखने का मतलब समझने के लिए तुरंत पेंसिल से लिखिएगा, फिर उसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्या करते हैं। यहां पर चूंकि जगह कम है तो अब इसको मिटाते हैं। और अब यहां लिखेंगे क्या? कोणीय बिंदु। और यहां लिखेंगे z बराबर 5x/3y, 5x/3y। ठीक है, चलिए कोणीय
पुण्य बिंदु में चार गो कोना है, एक 40-80 है, 40-80, दूसरा है 50-100, तीसरा है 0-200, चौथा है 0-50। चलिए जेड बराबर 5, एक्स के जगह 40 जोड़ 3, वाई के जगह 80। 50 × 2 = 200, 38 × 24 = 240, इसलिए हो गया 440। ठीक है, दूसरा पर चलते हैं, 5 × 50 + 3 × 100, तो 100 × 3 = 300, 50 × 5 = 250, 100 × 3 = 250, 3 × 2 = 550, 550। ठीक है, तीसरा जेड बराबर 5 × 0 + 3 × 200, 2 × 600 हो गया सीधे, चौथा जेड 5 × 0, एक्स के जगह 0, वाई के जगह 50, 3 × 50, 50 = 150। तो हो गया, अब ये एक नंबर का ये हुआ आपका कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, अब लास्ट में लिखेंगे, इसलिए महत्तम मान ए जेड का अधिकतम मान, या मैक्स जेड भी लिख सकते हैं, बताए थे आपको कल, मान बराबर देखिए इसमें से सबसे बड़ा मान कितना, 600, इसके लिए बिंदु हो गया, कौन बिंदु पर ये मिला 600, 0,200। ठीक है, ये हो गया अधिकतम वाला, और न्यूनतम विकलन दोनों कह रहा है, तो यहां लिखेंगे जेड का न्यूनतम मान बराबर, न्यूनतम वाला ये 150 है, 150 इसके लिए बिंदु जो हो गया, बिंदु को दिखा दीजिए कौन बिंदु पर मिल रहा है, ये 0,50 पर मिल रहा है, 0,50, समझ में आ गया बात। चलिए इसको पूरा कर लीजिए, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मैक्स जेड बराबर 7x + 9y, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस या कॉन्स्टेंट्स x + y > 8, 3x + 5y < 15, xy > 100। सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशन यहीं से लिखते हैं। देखिए यदि कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप आलेख खींचिएगा तो आलेख में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, जो दोनों को संतुष्ट करे, या सुसंगत बोल सकते हैं, वह क्षेत्र आपको नहीं मिलेगा। एक तो हो सकता है उधर कलर हो, एक तो हो सकता है उधर, तो उभयनिष्ठ तो यही रेखा है, लेकिन उभयनिष्ठ क्षेत्र है, तो ये तो कलर हुआ नहीं, तो इसका मतलब इसमें जो है कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र सुसंगत नहीं है। और जब उभयनिष्ठ क्षेत्र सुसंगत है ही नहीं, तो उसका ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम वैल्यू निकलेगा। देखिए इसको इसी टाइप का एक सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। 1, 2, 3, तो 1 का संगत समीकरण x + y = 8, जब x 0 लीजिएगा तो y का मान 8 निकलेगा, 0,8, जब y 0 लीजिएगा तो x का मान 8 निकलेगा, 8,0। 2 का संगत
संगत समीकरण, ये है 3x + 5y = 15। जब एक्स जीरो लीजिएगा तो वाई का मान 3 निकलेगा, और जब वाई जीरो लीजिएगा तो एक्स का मान 5 निकलेगा, तो 5 जीरो। ठीक है, वाले खींचते हैं, सब में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो गया मूल बिंदु। ठीक है, चलो एक्स में हाईएस्ट मान आपको 8 मिल रहा है, और ये दोनों तो खैर छोटा है, ये 3, 5 दोनों एक्स और वाई में 8 ही मिल रहा है, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी ले सकते हो, या 2-2 करके ले लो। हम 2 करके ले रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, तो 2-2 करके ले रहे हो, तो यहां पर लिख देना पड़ेगा आपको, एक पैमाना बराबर 2 इकाई या 2 मात्रक, ये आपको लिख देना पड़ेगा, यदि 2-2 करके ले रहे हैं। यदि 1-1 करके लेते तब वहां लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन 2-2 करके लेते हैं तो लिखना जरूरी है। चलिए इसको लेते हैं पहले। पहला है x + y = 8 है, तो इसमें 0, 8 और 8, 0, ये रहा आपका 0, 8 और ये रहा 8, 0, दोनों को मिलाते हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा है किधर है, हाँ 0, 3, तो 0, 3 तो ये 2 है, तो यहां पर 2, 1, 3 यहां पर मिलना चाहिए, 0, 3 और ये है 5, 0, 2, 4 ये है 5, 0। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं, और ये देखो ये मिलेगा तो बहुत दूर जाकर के मिलेगा, इसलिए मिलाने का कोई जरूरत नहीं है। यदि पहला चतुर्थांश में मिलता है तब ठीक है, जैसे बाहर मिले उधर मिले तो मिलाने का जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दो आप, 1-2 हो गया। अब इस पर चलते हैं सही गलत वाला रास्ता पर, 0> = 8, इधर 0 लिखना है, > = 8, ये 1 नंबर। अब देख लो इधर घुमा हुआ है 0 तरफ, तो ये गलती है, घुमा हुआ है, गलत है। दूसरा उधर 0> = 15, ये 15 तरफ घुमा हुआ है और ये सही है ना। चलिए तो पहला गलत है भाई, पहला नंबर ABC गलत है, तो कहां जाएगा, बाहर जाएगा, तो बाहर का मतलब हुआ सी तरफ जाएगा, यानी अब सी का संभावना है। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर सही है, सही है कि अंदर जाना चाहेगा, इधर कोई बच लेना है, इसका मतलब जो है ऐसा क्षेत्र ये हो रहा है जहां पर नहीं तो 1 का काम कर रहा है, नहीं तो 2 का काम कर रहा है, 2 कह रहा हम नीचे जाए, कहे कि हम सही है, 2 कह रहा हम सही है, चलो तुम सही है भाई नीचे आ जाओ, 1 कह रहा हम गलत है हम बाहर जाएंगे, तो देखो कहीं पर मिलन हुआ दोनों का, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मिलन मना क्या हुआ, मान लिया जाए एगो दोस्त है इधर, एगो दोस्त इधर है, अब दोनों जो है एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, तो कौन टकरेबे करेगा, किधरो नहीं किधरो। अब जो है ऐसा है एगो दोस्त उधर जा रहा है, ये आदमी जो है उधर जा रहा है और ये आदमी इधर आ रहा है, किधरो भेंट होगा, किधरो नहीं मिलेगा, तो वही चीज यहाँ पर है कि यह नीचे जाना चाहते है उधर जा रहा है, किधरो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, तब आपको यही लिखना है यहां पर उभयनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र नहीं है, उभयनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र नहीं है, अतः इसका अधिकतम या न्यूनतम मान संभव नहीं है,
बस इसमें कोणीय बिंदु भी नहीं निकालना पड़ा, बच गया आप आसानी से। तो समझ गया बात को। चलिए अब एक चीज और समझा दें आप लोगों को कि एक सवाल ऐसा भी आता है, कलर हुआ लेकिन यह कलर हुआ बाहर में, यानी सुसंगत क्षेत्र ओपेन हो, अपरिबद्ध हो, और जब अपरिबद्ध क्षेत्र होता है तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल भी सकता और नहीं भी निकल सकता है, ध्यान रखिएगा। वैसे हम उस टाइप का सवाल बताए नहीं है और बताएंगे भी नहीं, क्लास शुरू होगा तब उस टाइप का सवाल बताएंगे, ना कि जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है इतना में से आपको लगभग सब टाइप का क्लियर हो चुका है। कल हम लोग इसके एप्लीकेशन पर आधारित सवाल बताएंगे, यानी एप्लीकेशन माना लैंग्वेज संबंधी सवाल हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वर्क के रूप में 12.1 का कल 6 तक दिए थे, कल आप लोग बना लीजिएगा 12.1 का 7 से लेकर के 12 तक, मतलब जो बचा हुआ है उसको बना लीजिएगा, उसमें से 9 नंबर जो है वो आप नहीं बनाइएगा, हालांकि हम जानते हैं बन जाएगा, फिर भी आप मन हो तो बनाइएगा, क्योंकि अभी जो आपको बताया कि जब सुसंगत क्षेत्र जो है वह अपरिबद्ध होता है तो उसका मैक्सिमम मान निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता है, न्यूनतम मान निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता है, उसके लिए एक रूल होता है जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जब आप लोग का क्लास ओपन होगा लॉकडाउन के बाद तो ही हम उस चीज को क्लास में समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग वर्क को पूरा कर लीजिएगा, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।